तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्योर एडवांस और मटेरियल एडवांस की क्लॉज के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो वो उन लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है कि मटेरियल एडवांस या फिर सिक्योर एडवांस की क्लॉज सेम है या इसमें कोई डिफरेंस है। जबकि एक जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो इंजीनियर होते हैं तो उनको इस क्लॉज का पूरा प्रोसेस पता रहता है। अब ये जो कन्फ्यूजन प्राइवेट सेक्टर में आई तो कैसे आई? अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं या बनाते हैं तो वो अपनी फिजिबिलिटी या फिर इजीनेस के लिए इस क्लॉज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है इंजीनियर्स को। लेकिन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। तो बेसिकली आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर सिक्योर एडवांस या मटेरियल एडवांस दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन अगर इसमें जो डिफरेंस है तो वो उसकी प्रोसेस में है। वो प्रोसेस क्या है? अगर मटेरियल एडवांस या सिक्योर एडवांस दिया जाता है तो ये किन मटेरियल्स को दिया जाता है, यानी कौन कौन से कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं, इसकी परसेंटेज या फिर विटेज क्या होती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्योर एडवांस होता क्या है। देखिए, अभी आप इसको ऐसे समझिए कि मटेरियल एडवांस या सिक्योर एडवांस है, ये दोनों सेम है, ठीक है, जिससे कि आपको इसको समझने में कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, कभी भी जब कॉन्ट्रैक्टर साइट पे काम कराता है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल साइट पे लेके आता है कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो भी वो मटेरियल साइट पे लेके आया है तो उसका कुछ पार्ट तो उसके बिल्डिंग में कंज्यूम हो जाता है, और जबकि कुछ पार्ट आपका साइट पे बैलेंस बचा रहता है फॉर आगे के काम को करने के लिए। जैसे वो रेनफोर्समेंट स्टील ले आया है या सीमेंट ले आया है, एग्रीगेट ले आया है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल वो हो सकता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि अपना पहला बिल बनाया, ठीक है। तो पहला बिल सपोज मान लीजिए उसने 30 तारीख तक का बनाया, तो उसने क्या किया कि 30 तारीख तक जितना काम उस बिल्डिंग के साइट पे कंज्यूम हो गया था तो वो उसको क्लेम कर लेगा अपने आइटम रेट के कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या उसके पर क्वार्टर में जो भी रेट्स होंगे, जो कंप्लीट रेट्स होंगे, तो वो उसमें उसको क्लेम कर लेता है। इसके बाद में जो मटेरियल साइट पे बचा हुआ रखा हुआ है, यानी कि उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर का क्या है कि पैसा उसमें इन्वॉल्व हो रखा है, यानी कि उसमें उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उस केस में जस्ट एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तो वो जो बैलेंस वाला मटेरियल है तो उस पे आपको एडवांस देना होता है। और ये जो एडवांस है, यानी कि वो आरे बिल तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जो आपकी साइट पे मटेरियल बचा हुआ है, तो यानी उस साइट पर जो भी इंजीनियर है, स्टोर इंचार्ज है, वो जाके फिजिकली साइट पे विजिट करेगा, उसका कितना रेनफोर्समेंट स्टील बैलेंस है, कितने सीमेंट के बैग्स हैं, कितना एग्रीगेट्स है, तो उस सारा का रिकॉर्ड बनाने के बाद में वो एडवांस जो प्रोसेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योर एडवांस, क्योंकि वो आपका जो मटेरियल है वो साइट पे सिक्योर है, ठीक है। तो यानी कि दो चीजें होगी, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन का बिल तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में आपकी सिक्योर एडवांस की पेमेंट की प्रोसेस की एक सीट अलग से जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका सिक्योर एडवांस। अब बात आती है कि किन किन मटेरियल्स पे सिक्योर एडवांस दिया जाना चाहिए या फिर ये क्लॉजेस में जो होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी सिक्योर एडवांस दिया जाता है तो वो हमेशा नॉन पेरिशेबल मटेरियल पे दिया जाता है। नॉन पेरिशेबल मटेरियल्स बेसिकली वो होते हैं जो आपके एक्सपोजर, वेदर, या जैसे पानी है, बारिश होगी, तो वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, या फिर जो साइट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग लगता है कि ये मटेरियल्स ऐसे खराब नहीं होंगे, तो सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स के ऊपर एडवांस दिया जाता है जिनको हम बोलते हैं नॉन पेरिशेबल मटेरियल। इवन इसके अलावा नॉन पेरिशेबल मटेरियल की एक प्रॉपर पूरी लिस्ट होती है कि अगर सिक्योर एडवांस क्लाइंट पे करेगा तो वो किन किन मटेरियल्स पे कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। तो आई होप गाइस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको सिक्योर एडवांस का। अब बात करते हैं कि कितना एडवांस दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसकी जो वर्किंग कर रखी है ये मैं समझाऊंगा कि जो एक क्लॉज होती है सिक्योर एडवांस अगर हमें पेमेंट करनी होती है वो कैसे। सपोज मैं मान लेता हूं किसी रेनफोर्समेंट स्ट्रीट के ऊपर मुझे सिक्योर एडवांस देना है, तो उस केस में क्या होगा कि एक तो होगा इसका प्रिक्योरमेंट रेट,
यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर रेनफोर्समेंट स्टील को खरीद के लाया है, तो एक तो हो गया आपका ये इनवॉइस का रेट, ठीक है। दूसरा केस है हमारा वर्क ऑर्डर या फिर उसका आइटम रेट, यानी कि जब वो स्टील को कंस्ट्रक्शन में कंज्यूम कर देगा तो उसका जो वर्क ऑर्डर का रेट होगा वो होगा सपोज 80 रुपए। तो उसकी क्लॉज होती है कि प्रिक्योरमेंट रेट का 75% या फिर वर्क ऑर्डर या फिर आइटम रेट का 55% या फिर 50%, ये मैंने 50% लिया हुआ है इसमें। इसके बाद में सपोज जो रेनफोर्समेंट स्टील को प्रिक्योर करके लाया है उसका रेट है 50 रुपए, अगर इसका मैं 75% कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है 37.5। और उसके बाद में जो दूसरी भी क्लॉज उसमें लिखी होगी कि 50% ऑफ आइटम रेट, अब रेनफोर्समेंट स्टील का आइटम रेट है उसका वर्क ऑर्डर में 80 रुपए, तो उसके हिसाब से अमाउंट आ जाता है 40 रुपए। तो विच एवर इज लोअर, तो वो वाली पेमेंट उसको कंसिडर होगी, कौन सी, ये वाला हमारा लोअर आ रहा है, तो ये वाला उसको सिक्योर एडवांस के केस में दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है, और इसमें एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर प्रिक्योरमेंट रेट से पेमेंट हो रही है, अगर वो रेनफोर्समेंट स्टील या फिर कोई और मटेरियल है, तो बेसिकली इसके रेट भी चेंज होते रहते हैं। यानी सपोज किसी एक लॉट में आपका 50 रुपए आया जैसे मैंने दिखाया, या फिर डाया के अकॉर्डिंग भी इसके रेट चेंज होते हैं, यानी कि लोअर डाया जितना होता है आपका वो महंगा होता है और हायर डाया जितना होता है वो आपका सस्ता होता है। तो उस केस में आपको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। एवरेज रेट कैसे निकलेगा, सारा अमाउंट यानी कि जितनी भी इनवॉइसेज हैं, जितनी भी उसकी प्रोक्योरमेंट की इनवॉइसेज हैं, सबको आपको क्लब करना है, उसके अमाउंट को क्लब करना है, यानी कि उसमें सपोज उसकी 5 इनवॉइसेज हैं तो 5 इनवॉइसेज के अमाउंट को आपको जोड़ना है। उसके बाद में जितनी क्वांटिटी आई है वो किसी भी डाया की क्यों ना हो, उन सारी क्वांटिटी को जोड़ के फिर उस टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है, तो उससे आपका एवरेज रेट की कैलकुलेशन हो जाती है, यानी कि एवरेज रेट आपको पता चल जाएगा उस रेनफोर्समेंट स्टील का कितना है, तो उस बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होती है जो कि मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि इसकी रिकवरी, यानी कि सिक्योर एडवांस की एक रिकवरी भी होती है, जैसे कि बिल के केस में मैंने आपको बता दी, उसके अलावा भी एक पॉइंट होता है इसमें कि इन केस किसी भी मटेरियल पे जो सिक्योर एडवांस अगर दिया गया है, इन केस अगर वो कॉन्ट्रैक्टर विद इन 19 डेज के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर अगर उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो क्लाइंट हैव राइट, यानी कि क्लाइंट एक राइट रिजर्व रखता है कि उस ओवरऑल सिक्योर एडवांस को वो 100% रिकवर कर सके। किस केस में, अगर उसने उस मटेरियल को यानी कि जिस पे सिक्योर एडवांस दिया गया था तो उसको अगर उसने 90 दिनों के अंदर कंज्यूम नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिक्योर एडवांस से रिलेटेड। अब हम समझते हैं कि सिक्योर एडवांस और मटेरियल एडवांस में डिफरेंस क्या है। अब देखिए ये सारी चीजें जुड़ी हुई तो एडवांस से ही, मटेरियल के एडवांस से थी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि सिक्योर एडवांस वर्सेस मटेरियल एडवांस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए इनिशियली जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैंने क्या बताया था कि आरए बिल तो उसका जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में जो एक सेपरेट शीट जाएगी मटेरियल एडवांस की, तो उसको बोलते हैं सिक्योर एडवांस। लेकिन मटेरियल एडवांस के केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आरए बिल को के साथ ही वो जाए। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर जैसे सपोज वो साइट पे ऑन बोर्ड हुआ, यानी कि वो साइट पे आया और वो सपोज रेनफोर्समेंट स्टील लेके आता है, तो उस केस में इस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट में अगर उसको एडवांस लेना है, यानी कि आरए बिल इस वाले केस में सबमिट होगा लेकिन वो बाद में, लेकिन वो जो मटेरियल लेके आया है वो उसने पहले स्टॉक कर दिया, तो इस मटेरियल अगेंस्ट में जो वो एडवांस लेगा तो वो आपका होगा मटेरियल एडवांस। जबकि है तो ये भी सिक्योर एडवांस, लेकिन जो एक टेक्निकल डेफिनेशन है यानी कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो बेसिकली इसको बोलते हैं मटेरियल एडवांस, और जबकि जो सिक्योर एडवांस की जो क्लॉज होती है वो आपकी चली जाती है आरए बिल के साथ में, यानी कि आरए बिल के साथ में जो एडवांस जाएगा वो हो गया आपका सिक्योर, और जो आरए बिल के साथ में ना जाए या किसी भी स्टेज में, सपोज अगर इसकी कोई भी एक टाइम लाइन या इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो पर्टिकुलर मटेरियल के अगेंस्ट में दिया गया एडवांस आपका आपका मटेरियल एडवांस होता है। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस है। आई होप गाइस इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिक्योर एडवांस और मटेरियल एडवांस दोनों ही मटेरियल के अगेंस्ट में हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो कितना एक छोटी सी चीज थी जो कि मैंने आपको क्लियर किया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और इन केस अगर आपको कोई क्वेरी रह रही है, मुझे पता है आप जहां तक आपको एवरेज रेट की कैलकुलेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे सीमेंट रिकंसिलेशन और स्टील रिकंसिलेशन के दोनों वीडियो देखिए, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सेल की टेबल के साथ में उसकी कैलकुलेशन बताई हुई है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।